अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चिकन दम बिरयानी की रेसिपी दे रही हूँ, जिसके जरिए हैं 1 किलो गोश्त, 1 कप घी, 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला, एक टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, एक कुटी हुई मिर्च, 1 खाने का चम्मच है, 1 खाने का चम्मच नमक है, 2 खाने के चम्मच धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच हल्दी, और 4-5 हरी मिर्चें और 10 लहसुन का पेस्ट है, 1 प्याली दही, 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, दो रफली टमाटर हैं, और ये मैंने दम के लिए टमाटर काट लिए हैं, और ये धनिया पुदीना है जो कि मैं उसमें मिक्स जैसे जैसे डालूंगी आपको बताती रहूँगी। ये 1 किलो चावल है जो मैंने बॉईल कर लिए हैं, जिसमें मैंने 2 खाने के चम्मच गर्म मसाला साबुत डाला है मिक्स, और ये मैंने 2 चम्मच नमक ये डाल के बॉईल करके रख लिया। 80% गल चुके हैं, तकरीबन 2% गलने हैं जो वो जो दम में आ जाएंगे। चलिए बिरयानी का कौरमा बनाना तैयार शुरू करें। सबसे पहले कढ़ाई में घी डालना, जब घी अच्छी तरह गर्म हो जाएगा। कढ़ाई मैंने पहले ही चूल्हा जला के गर्म होने रख दी थी, तकरीबन 1 तेल अच्छी तरह गर्म हो गया और मैंने प्याज डाल दिए, और प्याज को अच्छी तरह ब्राउन करके इसमें प्याज ना ज़्यादा लाल ना ज़्यादा होती ना सफ़ेद होती है ना ब्राउन, अच्छी तरह प्याज को ब्राउन करके फिर इसमें तमाम मसाले ऐड करके इसका कौरमा सा तैयार कर लेना है। ये भी रेसिपी मतलब जल्दी से तैयार, बस चीज़ें तैयार हों, समझो रेसिपी फटाफट तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब प्याज हो चुकी है, तकरीबन मैंने उसमें अदरक लहसुन और मिर्ची मीठी से कटी वही मैंने इसमें डाल दी 7 किलो। साथ इसमें चिकन ऐड कर दी, इनको थोड़ी देर तक भूनना है जब तक चिकन की शक्ल वाइट ना हो जाए, उसके बाद फिर मसाले सारे डाल देंगे। अभी लेकिन थोड़ी देर भूनना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें सारे मसाले ऐड करते जाएंगे। अब ये बिरयानी मसाला जो मेरा होम मेड है, मैंने आपको कहा था कि अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो वो भी मैं दे दूँगी। इसके साथ में टमाटर भी डाल दें। अब अच्छी तरह भून लेना, जब तक भून लेना है कि मसाला अच्छी तरह पक जाए, मसाला घी छोड़ दे, उतने में चिकन भी थोड़ा बहुत गल जाएगा और कुछ चावलों में भी गल जाएगा। अब ये मसाला अच्छी तरह भून रहा है, अब इसमें ऐसा करना है कि इसमें थोड़ा सा पानी डालकर बस इतना, और थोड़ी देर के लिए इसे ढक देना है ताकि गोश्त जो है वो गल जाए, फिर उसके बाद आगे चावल डालेंगे और आगे उसकी रेसिपी को कंटिन्यू रखेंगे। ये देखिए मसाले ने अच्छी तरह घी छोड़ दिया, अब इसी कंडीशन में हम दही डाल देंगे।
इसको ना इस मसाले को बिल्कुल खुश्क भी नहीं कर देते, इसको थोड़ा सा ऐसे नरम ही रखते हैं मसाले को, ताकि चावलों में भी अच्छी तरह इसका टेस्ट आ जाए। अब अच्छी तरह इसमें उबाला आ जाएगा तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा धनिया पुदीना, अब इसको 5 से 7 मिनट तक ढक के पकाना है। 5 मिनट हो चुके हैं, अब इसको अच्छी तरह से घी ऊपर आ गया, अच्छी तरह मसाला तैयार हो गया। अब इसके इसी थोड़ा सा धनिया पुदीना डालकर मैं मिक्स कर लूँगी। चावल बिल्कुल डालने का टाइम आ गया, अब मैं चावल डाल दूँगी। चावल बॉईल करते हुए मैंने आपको बताया था कि 2 खाने के चम्मच मैंने थोड़ा मतलब मसाला डाल दिया था, 2 तेज़पत्ता डाल दिए थे साथ, और 2 खाने के चम्मच नमक डाल दिया था। इसे और तकरीबन 80% मैंने चावल इसको गला लिए थे और 20% चावल अभी इसी तरह दम में हो गए। अभी थोड़ी सी देर गैस से पकेगा और फिर मैं इसको तवे पे के तवा रखूँगी इसके नीचे दम के लिए। तकरीबन 5 मिनट हाई फ्लेम पे करना और 15 मिनट लो फ्लेम पे रख देना, हल्की आंच में लो रहेगा 15 मिनट तक, फिर समझ रहे फुल डन तैयार हो। ऐसे अब हम चावलों को सेट कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर धनिया पुदीना टमाटर हरी मिर्ची की थोड़ा सा जरदार रंग टमाटर के स्लाइस रख देने हैं, ऐसे 2-4 हरी मिर्ची जो मैंने एक में से 2-2 मिर्ची काट के रख ली है, और वो ऊपर से जो बचाया हुआ हरा धनिया ये डाल देना। अब तकरीबन अब आपसे मिलेंगे 20 मिनट के बाद। 5 मिनट मैंने कहा कि इसको तेज आंच पे रखना है और 15 मिनट लो आंच, और इसके नीचे मैं तवा रखूँ। 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम देखते हैं कि बिरयानी हमारी फुल तैयार है। अब हम डिश आउट करते हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आया है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके समझाती हूँ। चिकन दम बिरयानी ये तैयार है, अगर आपको ये अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।